नमस्कार दोस्तों। तो अब हम देखेंगे जल या अंग्रेजी में जिसे हम वाटर कहते हैं, इसका अंतिम या दूसरा भाग। अगर आपने इसका पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पहले जाकर इसका पहला भाग देखिए, यह हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे जल चक्र या वाटर साइकिल। इसको समझने के लिए हम एक चित्र का सहारा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चित्र में कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो सबसे पहले हम इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें जल है। इसे हम समुद्र समझ सकते हैं, जिस प्रकार इसमें पानी है। इसके अलावा हम यहाँ पे झरने तथा नदियां भी देख सकते हैं जिसमें से पानी बहकर समुद्र में गिर रहा है। इसके अलावा हम पेड़ तथा पौधे भी देख सकते हैं जो यहाँ पर दिखाई गए हैं। इसके अलावा हमें एक पर्वत भी दिखाई दे रहा है। पर्वत के ऊपर हमें कुछ बर्फ भी दिखाई दे रही है और बर्फ से नदी भी निकलती हुई दिखाई दे रही है, जो आगे चल के यहाँ पे वापस से समुद्र में गिर रही है। और यहाँ पर कुछ बादल भी है। कुछ बादल सफेद है तथा कुछ बादल वर्षा वाले हैं एवं काले बादल है। एवं अंत में हमें एक सूर्य भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इन वस्तुओं के माध्यम से हम जल चक्र को समझते हैं। तो सबसे पहले जितना भी तरल पानी है या फिर जितना भी पानी जो नदियों तथा तालाबों एवं हमारे समुद्र में है, यह पानी इवापोरेट या फिर जिसे हम हिंदी में वाष्पीकृत होकर वायु में चला जाता है एवं वायु में जाकर ये बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन से पेड़ पौधे भी भूमिगत जल या फिर जमीन में जो पानी होता है उस पानी को वायु में पहुंचा देते हैं और यह पानी भी अपना योगदान देता है बादल बनाने में। तो इस प्रकार से बादल बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बादल बने हैं। फिर यह बादल ऊंचाई में उड़ते हैं, क्योंकि यह हल्के होते हैं इसलिए यह ऊंचाई में उड़ते हैं। और अधिक ऊंचाई में, जैसे कि आप जानते हैं कि अधिक ऊंचाई में, पृथ्वी की अधिक ऊंचाई में जाकर तापमान कम होता है, तो इसी वजह से यह जो बादल है ये जमकर बर्फ का रूप ले लेते हैं और पहाड़ की चोटी पर जम जाते हैं। फिर यही बर्फ पिघलकर नदियों का रूप ले लेती है एवं वापस आकर समुद्र में गिर जाती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी बचे बादल जो रहते हैं वह वर्षा का रूप लेते तथा पानी बनकर नीचे बरसते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जल चक्र या वाटर साइकिल चलता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो समुद्री या सतही जल जो होता है, जो नदियों तथा समुद्र में होता है, उसको उसके वाष्पीकरण के लिए सूर्य की रोशनी बहुत अहम भूमिका निभाती है। उसी की वजह से जो पानी होता है वह वाष्पीकृत होता है। तो सबसे पहले समुद्री जल वाष्पीकृत होता है एवं बादल बनाता है। इसके अलावा पेड़ पौधे जो रहते हैं वो भी वाष्पोत्सर्जन से बादलों को बनने में योगदान देते हैं। फिर ये जो बादल होते हैं, ये बादल अधिक ऊंचाई में जाकर पर्वतों की चोटी में बर्फ रूप में जम जाते एवं पिघलकर पानी बनकर नीचे नदियों के रूप में बहते एवं समुद्र में मिल जाते हैं। बाकी बचे जो बादल होते हैं वह वर्षा के रूप में नीचे बरसते हैं तथा फिर से जल की आपूर्ति करते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह होगी कि वर्षा जल चक्र का एक बहुत ही अभिन्न अंग है एवं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमारा जल चक्र या वाटर साइकिल काम करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हमने जाना कि वर्षा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जल चक्र का, क्योंकि यह नदियों तथा तालाबों इत्यादि में जल की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब हम जानेंगे भारी वर्षा होने से क्या असर होते हैं।
तो इससे पहले कि हम ये जाने कि भारी वर्षा के असर क्या होते हैं, हम वर्षा के बारे में कुछ आम बातें जान लेते हैं। जैसे वर्षा होने की अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों में विभिन्न होती है। जैसे कुछ स्थलों पर वर्षा साल भर होती है तथा कुछ स्थानों पर वर्षा बस कुछ दिनों के लिए होती है। जैसे कि हमारे देश में हम थार के मरुस्थलों में देख सकते हैं कि वर्षा कुछ ही दिनों में होती है तथा फिर साल भर वर्षा नहीं होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वर्षा जो है वह मानसून या बारिश के मौसम में आती है। जैसे कि आपने गौर किया होगा कि भारत में वर्षा का एक मौसम होता है जिसे हम वर्षा ऋतु भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारी वर्षा के क्या असर होंगे। तो अगर भारी वर्षा होती है तो नदियों तथा तालाबों इत्यादि का जल स्तर बढ़ सकता है, और जल स्तर बढ़ने की वजह से पानी बाहर आ सकता है इन तालाबों तथा नदियों से, और आसपास के इलाकों को डुबा सकता है या जलमग्न कर सकता है। इससे बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है, जिससे काफी ज्यादा जाल एवं माल की नुकसान या फिर की हानि हो सकती है। जब बाढ़ का पानी ऊपर उठता है या फिर ऊपर बढ़ता है, जल स्तर बढ़ता है, तब कई सारे जलीय जीव जो है इस बाढ़ के पानी के साथ बाहर आ जाते हैं, तथा जब बाढ़ का पानी वापस से अपने आम स्तर में या फिर वापस से कम होता है, तो ये जलीय जीव थल भाग में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जानें भी चली जाती है। तो चलिए अब हम बाढ़ को थोड़ा और विस्तार से देखें। बाढ़, जिसे अंग्रेजी में फ्लड भी कहते हैं, इसको हम कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर इस चित्र में बाढ़ का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें बाढ़ का पानी इस शहर में भर गया। इससे छोटे तथा बड़े सभी तरीके के घरों में घरों को घरों का घरों में असर हुआ है इस चीज का, तथा यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है क्योंकि बाढ़ ने रास्तों को पूरे तरीके से डुबा दिया है। तो इस प्रकार से बाढ़ बाढ़ का असर हुआ है। इस चित्र में भी हम देखेंगे कि ये जो घर है ये पूरी तरीके से बाढ़ में डूब चुका है, जिससे काफी ज्यादा लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि अधिक वर्षा से क्या दुष्प्रभाव होते हैं, अब हम जानेंगे कम वर्षा से क्या असर होंगे। तो चूंकि वर्षा जो है जल की आपूर्ति करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर वर्षा नहीं होगी या फिर कम वर्षा होगी तो जल की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। जबकि वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन से मिट्टी में जो जल है या जो सतही जल है, नदियों तथा तालाबों में जो जल है, वह जल वायु में जाएगा एवं बादल बना देगा, और यह जल जो है वापस से फिर से मिट्टी में नहीं आ पाएगा क्योंकि वर्षा नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार से मिट्टी में जो जल है उसकी कमी हो जाएगी, और मिट्टी में जल की कमी होने की वजह से मिट्टी अनुपजाऊ भी हो सकती है, जिससे हमें फसल तथा अन्य पेड़ पौधों को उगाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे कि हमने देखा कि बहुत समय से वर्षा ना होने से तालाब एवं नदियां भी सूख जाएगी, और इसकी वजह से सूखे की स्थिति भी पैदा हो सकती है, और इसी वजह से पानी की कमी की वजह से फसल की पैदावार भी नहीं हो पाएगी, जिससे भूखमरी भी फैल सकती है। बिना पानी की वजह से काफी सारे जीव जंतु जो है उनकी मृत्यु हो सकती है। बिना भोजन एवं प्यास के तो चलिए अब हम सूखे को थोड़ा और गौर से चित्रों के माध्यम से समझते हैं। तो सूखा, इसे अंग्रेजी में ड्रॉप भी कहते हैं। तो सूखे की वजह से मृदा में जल की मात्रा कम हो जाती है एवं मृदा में कुछ इस तरीके से दरारें आ जाती है। क्योंकि मृदा में जो जल होता है वह मृदा को एक साथ जकड़े हुए रखता है, तथा
तो अगर मृदा में जल की मात्रा कम होगी तो मृदा में इस प्रकार से दरारें आ जाती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों में कुछ इस प्रकार से असर होता है कि पेड़ पौधे सूख जाते हैं, इनमें पत्तियां कम हो जाती है, तो जमीन बंजर हो जाती है, इसमें काफी ज्यादा घास एवं अन्य चीजें नहीं उग पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन को। तो चूंकि हमने जाना कि जल हमारे जीवन के लिए या फिर सभी जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जल का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे कि जल का संरक्षण क्या होता है। तो वर्षा जल संरक्षण क्या कहलाता है? तो वर्षा का जो जल होता है उसको एकत्र करना एवं उसका बाद में प्रयोग करना। तो ये एकत्र करने जो होता है वर्षा जल को, वह होता है वर्षा जल संरक्षण। तो इसमें हम दो विधियां देखेंगे वर्षा जल संरक्षण के। तो पहली विधि रहेगी जिसमें छत के ऊपर का जो जल है उसको हम वर्षा ऋतु के टाइम पे जो छत के ऊपर जो पानी गिरता है उसके संग्रह को या उसके संग्रहण को देखेंगे। दूसरी विधि में हम सड़क के किनारे की नलियों का प्रयोग देखेंगे कि किस तरीके से जल संरक्षण में मदद कर सकती है। क्योंकि काफी सड़कें जो पक्की बन चुकी है जिससे जल जो है वह सीधे जमीन पे नहीं पहुंच पाता है और इन नालियों के माध्यम से नदियों तथा तालाबों में बहा दिया जाता है। तो किस प्रकार से इस जल का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो चलिए छत के ऊपर का जो जल संग्रह है इसको हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। छत के ऊपर जल संग्रह, तो इसको समझने के लिए हम इस चित्र का सहारा लेंगे। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर कुछ बादल जो है वह वर्षा करा रहे इस घर के ऊपर, तथा इसमें से जो पानी है उसको हम एक पाइप के माध्यम से इस टंकी या फिर जिसे हम संग्रहण टंकी कहते हैं उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बारिश हो रही है और ये बारिश का पानी इस छत में जमा होकर पाइप के माध्यम से इस छोटी सी टंकी में जा रहा है। इस टंकी में कुछ बजरी तथा रेत रखी गई है जिससे कि ये पानी थोड़ा साफ हो जाए और हमारे पास यहाँ पर संग्रहण टंकी में जितना हो सके उतना साफ पानी पहुंचे। तो इस प्रकार से छत के ऊपर जो है हम छत के ऊपर का जो जल है उसको संग्रह कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रकार से हमने जल को पढ़ा, तो अब हम एक बार देख लेते कि हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने देखा कि जल के बारे में कुछ आम बातें क्या होती है एवं जल के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। तो जल के स्रोतों के बारे में हमने जाना कि कुछ स्रोत जो होते हैं वह भूमिगत होते हैं, मतलब उनसे जो जल रहता है वह हम भूमि से निकालते हैं। इसमें कुआ, हैंडपंप और ट्यूबवेल को हमने पढ़ा, तथा कुछ स्रोत जो होते हैं वह सतही स्रोत होते हैं जैसे नदियां, तालाब एवं झीलें। इसके बाद हमने देखा कि जल की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहली अवस्था जो होती है वह हमने देखा कि यह तरल अवस्था होती है, इसमें हमारा आम इस्तेमाल वाला पानी आता है। दूसरी अवस्था हमने देखा कि ठोस अवस्था होती है जिसमें हमने बर्फ या हिम को देखा, तथा तीसरी अवस्था जो है वह हमने देखी कि यह अवस्था जो होती है यह गैसीय अवस्था होती है और इस पे हमने भाप या जल वाष्प को देखा। इसके बाद हमने देखा कि वाष्पीकरण एवं संघनन क्या होता है। तो जल से जब वाष्प बनता है तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, तथा इसका उलट जब वाष्प से जल बनता है तो इसे हम संघनन कहते हैं। फिर हमने देखा कि बर्फ का जमना एवं पिघलना क्या होता है। तो बर्फ जब जमती है या फिर पानी जब जमकर बर्फ बनता है तो इसे हम बर्फ का जमना कहते हैं, एवं जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है तो इसे हम बर्फ का पिघलना कहते हैं।
फिर हमने देखा वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो पौधों द्वारा पानी को वाष्प के रूप में वायु में उत्सर्जित करने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर हमने जल चक्र को विस्तार से पढ़ा, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से बादल बनते हैं और किस तरीके से वर्षा होती है तथा थल स्थल या नदियों तथा तालाबों में जल की आपूर्ति होती है। फिर हमने देखा कि अधिक एवं कम वर्षा का असर क्या होता है। अधिक वर्षा में हमने देखा कि अधिक वर्षा से बाढ़ जैसी हालत आ सकती है जिससे काफी ज्यादा जान एवं माल की हानि होती है। सूखे से कम वर्षा में हमने देखा कि सूखे जैसे हालत हो सकते हैं। सूखे से मिट्टी की उर्वरकता कम हो सकती है एवं पेड़ पौधों को भी अपार नुकसान हो सकता है। इसके बाद अंततः हमने देखा कि जल संरक्षण क्या होता है एवं इसके हमने दो विधियां जानी। और जो छत में जो जल होता है वर्षा जल, उसको संग्रहण करने की विधि को हमने विस्तार में जाना। तो हमने जल को अच्छे से पढ़ लिया है। अब मैं इसी नोट पर इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ कि जल ही जीवन है, इसे जितना हो सके बचाइए, इससे व्यर्थ ना कीजिए। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। धन्यवाद।